हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक लिखना महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल, या इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th century BC की राजनीतिक दशा। छठी छठी शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध के जन्म के पहले जो भारत था, उत्तर वैदिक काल, सॉरी उत्तर भारत था, वो 16 महाजनपदों में विभक्त था, ठीक है ना, जिसमें एक महाजनपद दक्षिण में भी था। तो पहला पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म के पहले, भगवान बुद्ध जो थे, बुद्ध के जन्म से पहले भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इनकी जो जानकारी मिलती है दो ग्रंथों से मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी। तो लिख सकते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बहुत पूछा हुआ सवाल है, किससे मिलती है बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय से। और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पूछा जाए इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनसे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है बुद्ध के जन्म से पूर्व, ठीक है, इनका उल्लेख इसमें किया गया है। यहां से सवाल जो पूछा जाता है, देखो ध्यान देना, राजनीतिक इकाई में, राजनीतिक दशा में कैसे परिवर्तन आता, तो हमने पढ़ा था कि वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई तो क्या पढ़ी थी हमने, जन। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी, जनपद। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, जनपद पूछा जाए, जनपद जो कई जनों से मिलकर बनती थी, ठीक है ना। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC ईसा पूर्व में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो जाएगी, महाजनपद, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई
वो क्या थी? वो थी आपकी महाजनपद, महाजनपद, ठीक है ना। देखो पाणिनि, एक पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख करा, तो मोस्टली सवाल इन्हीं से आता, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। अब हम इन 16 महाजनपदों से सवाल कैसे आता है, एक तो सवाल आता है सिंपल के इस महाजनपद का नाम और उसकी राजधानी क्या थी उस समय, ठीक है, एक तो सवाल इससे बनता। दूसरा बन जाता सवाल कि वो लोकेटेड किस क्षेत्र में था, भारत से बाहर कितने थे, ठीक है ना, और दक्षिण भारत में कौन सा था, ये सब सवाल बनते हैं। तो अब इन 16 महाजनपदों में से ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप इसको नोट करें, फिर हम उनको मैप में भरेंगे जब आपको लोकेशन करके, जब उन क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करें इसको। तो हम मैप में देखेंगे कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ठीक है, 16 महाजनपद इसमें हम देखेंगे, एक मैप बना लेते हैं रफली। ठीक है, ये एक रफली भारत का मैप हो गया। इसमें हम जानेंगे अब कि ये 16 महाजनपद कहां कहां थे लोकेटेड, ठीक है। तो इन 16 महाजनपदों में हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है, ये रफली मैप हो गया भारत का। तो अब हम इनकी एक एक लोकेशन देखेंगे पहले, ठीक है ना, 16 महाजनपदों में। तो एक महाजनपद, जो 16 में से दो महाजनपद अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, एक महाजनपद है यहां पर कंबोज, कंबोज, ठीक है, और दूसरा यहां पर है गांधार, ठीक है। तो दो महाजनपद ये दोनों पाकिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। तो दो तो ये याद रखने, एक जो याद रखना आपको, एक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अस्मक, अस्मक, इनकी का जानकारी किससे मिली है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती के सूत्र, जो किसका, जैन धर्म का। तो ये समझ में आया, तीन, देखो पहले हम याद करेंगे कंबोज और गांधार जो दोनों पाकिस्तान में है, फिर हम एक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर एकमात्र जनपद अस्मक, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे यहां पर एक जनपद है राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। तो इस तरह हम चार महाजनपद अब तक देख चुके हैं, ठीक है, ऐसे ही भरना, तो ये याद रहेंगे हमेशा। फिर हम जानेंगे, देखो ध्यान देना, अब इस क्षेत्र के चार महाजनपदों के बारे में यहां तक जानेंगे हम, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, चारों के नाम याद करेंगे हम, ये एक लाइन पे इनको ऐसे याद कर लेना। पहला पांचाल, ठीक है, दूसरा कौशल, और एक याद करना है यहीं पर मल्ल, और एक याद करना वज्जी, ठीक है। तो ये चार इस टाइप से याद कर लेंगे हम, ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले उन्हें करो जो बिल्कुल अलग है, जैसे दो पाकिस्तान में है, एक दक्षिण भारत में है, तो बच्चे तेरे एक मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये पूछा हुआ एकमात्र मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा था, मत्स्य। फिर हमने जाना ये चार एक लाइन में, इनको जाना, फिर हम एक लाइन सी और बनाएंगे इसी के समानांतर, उस पर भी कुछ जन महाजनपद रहेंगे, जिसमें एक महाजनपद रहेगा कुरु, कुरु, ठीक है ना। तो हम कुरु के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे सूर्यसेन, यहीं पर कौन सा रहेगा, सूर्यसेन, इधर को लिख लेता हूं, सूर्यसेन,
सूर्य सेन, ठीक है, पर यहीं पर एक रहेगा वत्स, वत्स, ठीक है, पर इसको इधर लिखें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर लिखो सूर्य सेन, ठीक है, फिर वत्स, वत्स के बाद काशी, ठीक है, काशी के बाद मगध, और मगध के बाद एक याद रखना यहां पर, ठीक है, ये एक रफली आइडिया है, ठीक है, अंग, अंग, एक अंग याद रखना, ठीक है, एक ये रफली है, थोड़ा ज्यादा दूर को पहुंच गया परंतु एक क्रम ऐसे भर लेना आप, ठीक है। और यहां पर एक महाजनपद आपको दिखाना है, चेदी, ठीक है, और यहां पर एक दिखाना है आपको अवंती, ठीक है ना। तो ये कितने हुए अब तक, तो दो, दो और चार कितने, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और सोलह, ठीक है ना। तो ये सोलह महाजनपद हो गए, जिसमें कंबोज, गांधार, पांचाल इधर, कोसल, मल्ल, वज्जी, कुरु, सूर्यसेन, वत्स, काशी, मगध और अंग, ठीक है, इधर मत्स्य, चेदी, अवंती और ये अस्मक, ठीक है। तो ये सोलह महाजनपद हो गए, ठीक है। यहां पर श्रीलंका को दिखा देते हैं। तो अब देखो, अब हम एक एक महाजनपद के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, जो इसमें से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, कि पहला महाजनपद कौन सा है, कंबोज। हम कंबोज के बारे में जानेंगे, महाजनपद काल में सोलह महाजनपद। पूछा जाए महाजनपदों की संख्या कितनी थी, सोलह, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम कंबोज, कंबोज, ठीक है, ये पूछा जाता है कंबोज। तो पहला पॉइंट इसके बारे में, इसकी राजधानी से रहेगा, तो पहले इसकी लोकेशन देखेंगे हम, तो ये राजौरी व हजारा जिला, हजारा जिला पाकिस्तान, सबसे पहले लोकेशन, ठीक है, पाकिस्तान में है। कंबोज की राजधानी, दो राजधानियों का उल्लेख मिलेगा, राजधानी से सवाल सबसे ज्यादा आता है, राजधानी, एक राजधानी इसकी राजपुर, राजपुर और एक हाटक, हाटक, ठीक है। तो ये राजधानी याद रखनी है, केवल इतना याद रखना है इसमें अभी तक। दूसरा इसमें याद रखना कि कंबोज, कंबोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट क्या रखना, कंबोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए, के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंबोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट जो देखेंगे हम, चाणक्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र में, यहां के निवासियों को, यहां के निवासियों को, निवासियों को क्या कहा है, वार्ता शस्त्रों परजीवी, वार्ता शस्त्रों परजीवी, वार्ता शस्त्रों परजीवी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये लोग कृषि, कृषि, पशुपालन, व्यापार के साथ शस्त्र, शस्त्र बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाकर। यहां के लोग, के लोग कृषि, पशुपालन एवं व्यापार, व्यापार वाणिज्य के साथ 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 क्या करते थे, व्यापार वाणिज्य के साथ साथ अस्त्र शस्त्र बनाकर, शस्त्र बनाकर जीवन यापन करते थे, जीवन यापन करते थे,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना किसके बारे में, कंबोज महाजनपद के बारे में। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करें, अब देखो मैं इसको सारे को मिटाए देता हूं, फिर हम एक एक जनपद महाजनपद को ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करें पहले, दूसरा महाजनपद देखेंगे हम नंबर दो, गांधार। गांधार इसकी लोकेशन कहां पर है, ये भी पेशावर व रावलपिंडी, रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में है ये भी। तो भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं, दो, ठीक है ना। पहला पॉइंट, गांधार की राजधानी, राजधानी ठीक है, तो इसकी राजधानी एक राजधानी है, इसकी दो राजधानी याद रखना, एक राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला चाहे ऐसे ही लिख लेना बिगर इसके ही, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, या ऐसे लिखोगे तो और अच्छी याद हो जाएगी। जैसे उत्तर की तरफ एक राजधानी तक्षशिला और एक राजधानी पुष्कलावती, पुष्कलावती ठीक है, पुष्कलावती को चार श्रद्धा भी बोला जाता, चार श्रद्धा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट जो इसमें याद रखना है, देखो गंधार का एक शासक था पुष्कर सारिन, तो उसने जो अवंती एक महाजनपद था वहां के राजा चंद्र प्रदोत को हराया था, तो लिखना गंधार के शासक, गंधार के शासक पुष्कर सारिन ने, पुष्कर सारिन ने, सारिन ने अवंती के राजा, के राजा चंद्र प्रदोत को हराया था। प्रदोत को हराया, हराया था, ठीक है। दूसरा इसी में याद रखना, जो मगध का एक शासक आगे पढ़ेंगे, मगध का शासक, शासक बिंबिसार ने, बिंबिसार ने पुष्कर सारिन के दरबार में, जो यहां का राजा था पुष्कर सारिन के दरबार में, दरबार में एक राजदूत भेजा था, एक दूत भेजा था। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है ना, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। सोलह महाजनपदों में से, महाजनपदों पदों में से वर्तमान में दो भारत से बाहर, कौन कौन से, कंबोज और गांधार, ठीक है ना, दोनों कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। और एक, एक महाजनपद दक्षिण भारत में, भारत में, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है अस्मक, आगे पढ़ो, ठीक है, अस्मक। तो ये याद रखना, क्लियर है यहां तक सभी को। तो हमने गंधार और कंबोज के बारे में देखा, ठीक है, एक महाजनपद देखेंगे, तीसरा मत्स्य, ठीक है, नंबर तीन पर मत्स्य महाजनपद, ये कहां पर है, ये राजस्थान में जयपुर वाला क्षेत्र,
तो राजस्थान में है, मरुस्थलीय क्षेत्र में है। एक बार ऐसे पूछा हुआ कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा महाजनपद है, ठीक है। और मत्स्य की राजधानी क्या थी, राजधानी सबसे इंपॉर्टेंट है, विराटनगर, विराटनगर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो तीन महाजनपद के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा कंबोज, गंधार और मत्स्य। तो नोट करें इनको पहले, फिर आगे देखते हैं। नंबर चौथा जो महाजनपद हमको देखना है, नंबर फोर, ठीक है। तो एक देखेंगे अस्मक, अस्मक, ठीक है। अस्मक, अस्मक दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, राजधानी, राजधानी, राजधानी इसकी पोर्टन या पोर्टली, ठीक है ना, इसकी राजधानी है। दक्षिण भारत में उपस्थित एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, ठीक है ना, अस्मक। नंबर फाइव जो आपको याद रखना है, देखेंगे कुरु, कुरु, ठीक है। तो कुरु, कुरु में जो है हमारा, ये कहां पर है, इसका क्षेत्र अगर पूछें तो ये दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा और मेरठ वाला क्षेत्र, मेरठ, ठीक है ना, इस क्षेत्र में है। पर इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी, राजधानी है इसकी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हैं, या हस्तिनापुर भी कहीं कहीं दी होती है, ठीक है, हस्तिनापुर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर छह जो महाजनपद आपको याद रखना है, कुरु के बाद सूर्यसेन, सूर्यसेन, ठीक है। तो सूर्यसेन कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्र कौन सा है, इसकी राजधानी है मथुरा, राजधानी मथुरा। तो ये मथुरा के आसपास वाला एरिया, मथुरा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, नंबर छह। नंबर सातवां महाजनपद आपको जो याद रखना है, वत्स, ठीक है ना। तो वत्स देखो, ये इलाहाबाद वाला क्षेत्र, ठीक है ना, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और इसकी राजधानी है कौशाम्बी, राजधानी कौशाम्बी। ये इलाहाबाद और कौशाम्बी वाले क्षेत्र में था, जिसको प्रयागराज बोलते हो क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर आठ जो याद रखना है महाजनपद, काशी, काशी, तो काशी की राजधानी क्या थी, राजधानी थी इसकी वाराणसी, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी। तो ये तो ज्यादा इसमें कुछ याद रखना नहीं है, काशी की राजधानी याद कर लेना, काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी वाला क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर नौ, ठीक है, नंबर नौ याद रखना आपको, मगध, मगध ये बिहार में है। एक बार यूपी पुलिस में केवल इतना क्वेश्चन आया कि मगध किस राज्य में है, तो बिहार में है, पटना और भागलपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, गया वाला, सॉरी। इसकी कैपिटल, राजधानी अगर पूछी जाए,
राजधानी, तो इसकी वैसे तो राजधानी, प्रारंभिक राजधानी क्या रहेगी? राजगृह, या इसी को गिरिब्रज बोलेंगे, ठीक है ना। एक इसकी राजधानी बाद में बनेगी वैशाली, और एक पाटलिपुत्र भी रहेगी, है ना। तो ये इसकी राजधानी रहेंगी, ठीक है। इसको नोट करें, फिर हम देखेंगे नंबर 10। नोट करें, देखो मगध सबसे शक्तिशाली रूप में उभरेगा आगे हम जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर 10 में देखेंगे हम चंपा, सॉरी अंग, महाजनपद का नाम तो अंग रहेगा, राजधानी उसकी चंपा रहेगी, तो अंग, अंग, ठीक है। अंग कहां पर पड़ेगा? ये भी बिहार में पड़ेगा, ठीक है। और राजधानी, राजधानी रहेगी इसकी चंपा। एक क्वेश्चन आता कि जब मगध का उत्कर्ष होगा तो मगध का पहला शिकार कौन बनेगा? सबसे पहले मगध किसको मिलाएगा? तो किसको? अंग को। तो मगध का पहला शिकार, शिकार, ठीक है। और कौन मिलाएगा इसको? बिंबिसार, बिंबिसार मगध में मिला लेगा जीत करके। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नंबर 11 देखना है आपको, एक महाजनपद आपको देखना है, ये पांचाल, पांचाल, ठीक है। पांचाल की कैपिटल दो रहेंगी, उत्तरी पांचाल की अलग रहेगी, ठीक है ना। ये पांचाल महाजनपद है, तो एक राजधानी इसकी क्या रहेगी पांचाल की? अहिछत्र, अहिछत्र, और एक रहेगी कांपिल्ले, कांपिल्ले। तो दो कैपिटल रहेंगी इसकी, ठीक है, पांचाल की। और पांचाल में कौन सा क्षेत्र शामिल है? बरेली, बदायूं, ठीक है ना, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, फर्रुखाबाद यानी यूपी, ठीक है ना। तो ये भी महाजनपद यूपी में है, जिसकी दो राजधानी थी अहिछत्र और कांपिल्ले, पांचाल की। नंबर 12 कोसल, कोसल महाजनपद, ठीक है। इसकी भी दो कैपिटल रहेंगी, इसकी दो कैपिटल रहेंगी, ऐसे ही लिख सकते हो गोला बनाकर, एक इसकी कैपिटल रहेगी श्रावस्ती, श्रावस्ती, और एक रहेगी कुशावती, कुशावती, ठीक है। देखो श्रावस्ती, श्रावस्ती एक अर्धचंद्राकार नगर था, श्रावस्ती या सहेत महेत, इसको क्या बोलेंगे श्रावस्ती को? प्राचीन नाम इसका सहेत महेत, और ये अर्धचंद्राकार नगर था, अर्धचंद्राकार नगर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ यूपी पीसीएस में, इसका विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती को ही सहेत महेत के नाम से जाना जाता, कोसल महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। नंबर 13 मल्ल, मल्ल महाजनपद, ठीक है, 13 नंबर पर। और इसकी भी राजधानी दो रहेंगी, एक राजधानी रहेगी पावा और एक रहेगी कुशीनगर, जहां पर किसकी मृत्यु हुई थी? पावा में महावीर स्वामी की और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है, पावा और कुशीनगर, तो इनको नोट करें, ये इसकी राजधानी है, क्या है? राजधानी। और मल्ल कहां पर रहेगा? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। कोसल भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी लिख सकते हो। पांचाल भी यूपी महाजनपद, यूपी में, ठीक है। अंग बिहार में हो ही गया, ठीक है। तो ये राज्य भी याद रखने हैं आपको, नोट करें इनको, 13 हो गए चुके हैं, नोट करें।
बहुत आसान है, वैसे एक बार मैप में भर के इनकी लोकेशन याद कर लेना, ठीक है ना। जितने सवाल बनेंगे वो सब यहीं पर आ जाएंगे। नेक्स्ट वज्जी, वज्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 14 वज्जी, ठीक है वज्जी। और ये कहां पर पड़ेगा, बिहार में, ठीक है ना, बिहार में। राजधानी इसकी वैशाली, राजधानी क्या है, वैशाली, ठीक है ना। सबसे पुराना, देखो ये वज्जी 8 राज्यों का संघ था, वज्जी 8 गणराज्यों का संघ, जिसमें वैशाली लिच्छवी, ठीक है ना, इस टाइप से थे। तो अब ध्यान देना, वैशाली विश्व का पहला गणराज्य माना जाता, विश्व का पहला गणराज्य। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहला गणराज्य व्यवस्था कहां पर थी, तो वैशाली में, ठीक है ना। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली, ठीक है, याद रखना इसको। पहले गणराज्य वाली व्यवस्था, यानी यहां पर शासन वंशानुगत नहीं था, वो कहां था, वैशाली में। कौन सा 8 राज्य, मतलब ऐसा बोल सकते हो जैसे ये वज्जी हो गया, तो इसमें इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था वज्जी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और वज्जी की राजधानी वैशाली, बिहार में पड़ता है। एक चेदी, चेदी महाजनपद, ठीक है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, क्षेत्र, ठीक है। और राजधानी क्या थी इसकी, सुक्तामती, सुक्तामती ये इसकी कैपिटल थी, ठीक है। नंबर ये 15 सॉरी 16 अवंती, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसकी राजधानी 2 रहेंगी, एक उत्तरी राजधानी उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है, और एक महिष्मती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, इसको नोट करें, 16 महाजनपदों को, फिर हम आगे देखेंगे, नोट करें इसको। अब देखो इनके बारे में एक पॉइंट और लिखना, एक बार यूपी स्पेशल में आ जाता कभी कभी, 8 महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से था, तो एक नोट पॉइंट करके लिखना, नोट करके, 8 महाजनपदों का संबंध 16 में से 8 महाजनपदों, महाजनपदों का संबंध, महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से था, किससे था, उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लेगा कौन कौन से हैं, तो वो एक लाइन में हम लिख सकते हैं, कुरु, सूर्यसेन, वत्स, काशी, ठीक है, और चेदी, पांचाल, पांचाल, और इसी में आपका आ जाएगा कोसल और मल्ल, तो 8 हो गए होंगे शायद, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक अगला जो नोट पॉइंट करके लिखना, अगला पॉइंट यहां से ही पूछ लिया जाता, उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के, वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में
वैदिक काल में कुरु एवं पांचाल, कुरु व पांचाल वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। कुरु व पांचाल वैदिक संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। एक याद रखना है कि दो महाजनपद मगध और अंग वैदिक सभ्यता से संस्कृति से दूर रहेंगे, जो मगध की एक उन्नति का कारण भी रहेगा। मगध व अंग महाजनपद वैदिक संस्कृति के प्रभाव से दूर थे। इन्हें क्या कहा गया? दूरस्थ प्रदेश। इन्हें दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, और यहां के निवासियों को क्या कहा जाता था? यहां के निवासियों को व्रात्य कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनको नोट करें, फिर हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, द्वितीय नगरीकरण भारत में। तो लिखना, भारत में द्वितीय नगरीकरण। इसमें ज्यादा नहीं है, मेंस का टॉपिक है, मेंस में ज्यादा आता है। जो फैक्ट है वो चीजें याद रखेंगे हम। भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी घाटी में हुई थी, ठीक है, क्लियर है। और प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी? प्रथम नगरीय क्रांति जो हड़प्पा सभ्यता हुई थी, ठीक है। तो हमें प्राचीन भारत में 2-3 बार नगरीकरण देखने को मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मैप में दिखा सकते हैं। तो ये प्रथम नगरीकरण, ठीक है। ये द्वितीय नगरीकरण, ठीक है। और ये तृतीय नगरीकरण, ठीक है। तृतीय नगरीकरण ये कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के समय। और ये छठी शताब्दी बीसी में गंगा नदी घाटी में, ठीक है। और ये तुर्कों के आगमन के साथ होगा, जो तुर्की आगमन होंगे, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो याद रखना है, उत्तर वैदिक काल में दो आध नगरों की चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में दो आध नगरों की चर्चा पूछा जाता है। कौन कौन से प्रोटो अर्बन सिटी हैं? आध नगर मतलब प्रोटो अर्बन, जो पूरी तरह भी नहीं थे, प्रोटो अर्बन। तो उसमें एक था हस्तिनापुर, पहला कौसाम्बी लिखते हैं, पहला था कौसाम्बी और एक हस्तिनापुर,
ठीक है ना, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। बुद्ध के समय छह नगरों की चर्चा है, ठीक है ना। वो छह नगर कौन कौन से हैं तो याद रखना, एक तो यही आ जाएगा तुम्हारा कौशाम्बी, ठीक है, एक वाराणसी, एक आ जाएगा आपका इसी में ये साकेत, एक चंपा, ठीक है, साकेत, चंपा, वाराणसी, और एक आ जाएगा आपका गिरिविरज या राजगृह, या गिरिविरज, ठीक है, और एक आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें ये मेंस का टॉपिक है, इसमें फैक्ट केवल इतने बनते कि भारत में द्वितीय नगरी प्रथम नगरीकरण की शुरुआत पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई, द्वितीय की पूछे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई गंगा नदी घाटी के तट पर, तृतीय जब तुर्की आक्रमण होंगे आगे, तुर्कों के आक्रमण के समय, ठीक है, ये तीन बार नगरीकरण के मिलेंगे। दो आदि नगरों की चर्चा कौन कौन सी है, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। बुद्ध के समय छह नगर कौशाम्बी, वाराणसी, साकेत, चंपा, राजगृह, गिरिविरज, ठीक है, और श्रावस्ती, ठीक है। तो इन फैक्टों को आप याद रखना, ठीक है, सीधे परीक्षा में यहां से पूछ लिए जाते हैं। अगला जो देखेंगे हम, एक छोटा सा टॉपिक इसी में देखेंगे, नोट करें पहले इसको, कुछ नगर हैं उनके प्राचीन नाम देखेंगे, ठीक है ना। यहां से सवाल भी आ जाता तो याद रखना, ठीक है। तो एक तरफ लिख सकते हैं नगर का नाम और एक तरफ प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम। तो पहला इसमें याद रखना आप पुष्कलावती, जो राजधानी थी, ठीक है ना, इसकी गंधार की, तो इसकी चार श्रद्धा, इसको क्या कहा गया प्राचीन नाम, इसका क्या मिलता, चार श्रद्धा, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना आप पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, कुसुमपुर, कुसुमपुर, ठीक है। नंबर तीन याद रखना आपको राजगृह या गिरिविरज, गिरिविरज, इसका क्या एक नाम मिलता है, कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर, ठीक है। नंबर फोर श्रावस्ती, श्रावस्ती को क्या कहा गया, सहेत महेत, ये अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार, ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पुराने नाम याद रखने हैं इसके, सारनाथ के, सारनाथ को पुराने समय पर मृगदाव और ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था, ऋषिपत्तनम, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पुराने नामों में याद रखना आपको सिक्स, तो आपको याद रखना कपिलवस्तु, ठीक है, और एक रखना लुम्बिनी, लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु को क्या बोला गया, पीपरवाह, और लुम्बिनी को रूमंदेई, रूमंदेई। इसी से बुद्ध के जन्म की अशोक के रूमंदेई स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, बुद्ध के जन्म
जन्म की जानकारी। अशोक यहाँ की यात्रा करेंगे, लेख लिखवाएंगे, यहाँ पर जो टैक्स रहेगा उसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि ये बुद्ध का जन्म स्थान था, ठीक है। ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और एक इसमें याद रख लेना कन्नौज, हालांकि वो आगे आएगा कन्नौज, ठीक है ना। तो कन्नौज को क्या बोला जाता था, कन्नौज को नगर महोदय श्री, ठीक है ना, कन्नौज को नगर महोदय श्री कहा जाता था, ठीक है। इसी में याद रख लेना आप नंबर 9 अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, तो इसको पिलोसन कहा है हर्षवर्धन ने, क्यों ना हुएंगसांग ने, हुएंगसांग ने, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नंबर 10 रख लेना हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को दान तीर्थ कहा गया, दान तीर्थ। तो ये 10 प्राचीन नाम आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ जाता, दान तीर्थ, पिलोसन, ठीक है ना। तो ये पुष्कलावती चार श्रद्धा के रूप में इसकी पहचान, पाटिलपुत्र, कुसुमपुर, राजगृह, गिरिविज, कुशाग्रपुर, श्रावस्ती, सहित, महेत, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर सारनाथ भी इंपॉर्टेंट है, मृगदाव या ऋषि पत्तनम सारनाथ को कहा गया है। फिर कपिल वस्तु, पीपरवाहा, ठीक है, लुम्बिनी को रूमनदेही, यहीं से बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है, अशोक के रूमनदेही स्तंभ लेख से, ठीक है। कन्नौज को नगर महोदय श्री, इसकी संपन्नता के कारण, ठीक है। तो ये सभी नाम आप याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्लास देखी, अब अगली कक्षा में हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष, ठीक है ना, जो मगध पर शासन करने वाले वंश आएंगे। तो आप पहले इस क्लास को अच्छे से तैयार करना। आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।